उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन बाघ और गुलदार के हमले की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सीएम ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए देहरादून में हुई घटना की रिपोर्ट दी। इस दौरान उन्होंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। दरअसल राज्य में गुलदार के हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि राजधानी देहरादून में भी एक दिन पहले ही 10 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए अब विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्थित अपने कार्यालय में ही विभागीय अधिकारियों को तलब किया। इस दौरान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। ऐसे में सीएम धामी ने ऐसी घटनाओं को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक आर.के. सुधांशु को दैनिक रूप से मामलों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी खुद फील्ड में जाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी दशा में जनहानि नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उठाए जाएं। सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर काम करे। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम को तत्काल फील्ड में भेजने की भी बात कही है।